dear student, today we start online class of the science class 8. Chapter number first is sensitivity in the living organism. जानदारों में हसासियत. इसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो सवाल ये चैप्टर का नाम है, आप जैसे हम वर्ड चैप्टर का नाम लिखते हैं ऊपर, आप वैसे ही चैप्टर का ये नाम ऊपर लिखेंगे कॉपी में, सेंसिटिविटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद नीचे हम इसके लिखते हैं क्वेश्चन नंबर वन, डिफाइन सेंसिटिविटी. इस चैप्टर में हम ज्यादातर पढ़ेंगे कि जानदारों में हसासियत क्या है. हसासियत किसे कहते हैं? पहले हसासियत को समझने के लिए हमें उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा. सेंसिटिविटी लव निकला हुआ है सेंस में. सेंस यानी कि हस. हस जो होती है इंसानों में सेंस मौजूद होते हैं. देयर आर फाइव सेंस प्रेजेंट इनसाइड इन द ह्यूमन बीइंग. इंसानों में पांच हस सेंस मौजूद होते हैं. वो वन बाय वन भी पढ़ते जाएंगे हम इसी सवाल के आगे. तो पहला सवाल है आपका डिफाइन सेंसिटिविटी. इस चैप्टर में अभी वर्ड मीनिंग नहीं है तो डायरेक्ट हम सवाल से शुरू कर रहे हैं. डिफाइन सेंसिटिविटी. आंसर, आंसर सेंसिटिविटी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. जानदारों में ऐसी काबिलियत जो कोई सी भी चीज उनके अंदर आए या बाहर से कोई उनमें मुदाखलत करे तो उसके रिस्पॉन्स में हमारा जिस्म क्या करता है उस चीज को हम सेंसिटिविटी कहते हैं. बाहर से कोई जैसे आवाज आ रही है, कोई खुशबू आ रही है तो हम फील कर लेंगे, वो भी हम सेंसिटिविटी में शुमार होता है. तो सेंसिटिविटी आपका ये पहले सवाल का जवाब यहीं तक होगा. एक लाइन का इस सवाल का जवाब है एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. यहाँ तक आप जवाब कंप्लीट कर लेंगे. सही है, पहले सवाल का पहला जवाब यहाँ तक ही है. अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूँ. ये आपको लिखना नहीं होगा, ये सिर्फ उसी के बारे में पहले सवाल से रिलेटेड है. एग्जांपल है फाइव सेंसेस. हाउ मेनी सेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग? देयर आर फाइव सेंसेस प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग. जानदारों के अंदर, इंसानों के अंदर कितने सेंस मौजूद हैं? हमें आप पहली क्लास में भी पढ़ के आए शुरुआती क्लासों में कि इंसान में कितने सेंस मौजूद है. देयर आर फाइव सेंसेस. कौन कौन से सेंस है? जैसे सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, खुशबू हो या बदबू हो, प्रेगनेंस, कोई सी भी चीज हो तो हम महसूस करते हैं. अच्छा, सेंस ऑफ स्मेल का जो ऑर्गन है वो है नोज. दूसरा है सेंस, सेंस ऑफ साउंड, कोई सी भी आवाज आप महसूस करते हैं वो सेंस ऑफ साउंड में से ही हो. उसका जो महसूस करने का हमारे पास ऑर्गन है एयर. एयर कान के जरिए हम कोई भी चीज महसूस कर सकते हैं आवाज को. सेंस ऑफ साइट, देखने का, कोई सी भी चीज हम कलर आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो वो आई के जरिए कर सकते हैं. वो आई हमारी ऑर्गन है सेंस ऑफ साइट की. किसी भी चीज को देखने के लिए हम आई यूज करते हैं. अच्छा, फोर है सेंस ऑफ टेस्ट, जायका महसूस करने का है. सेंस ऑफ टेस्ट का जो ऑर्गन है वो है टंग, जबान. कोई सी भी जबान होगी, कोई सा भी सेंस तो हमारा ऑर्गन होगा वो टेस्ट जायका महसूस करेगा जबान के जरिए. सेंस ऑफ टच, हमारी स्किन जो होती है वो सारी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है टच का. कोई सी भी चीज महसूस कर सकते हैं वो सेंस ऑफ टच के जरिए महसूस कर सकते हैं. सेंस ऑफ फाइव सेंसेस प्रेजेंट होते हैं जानदारों के अंदर. These are the five senses present inside the human being. ये आपका एग्जांपल के तौर पे था, हमें ये लिखना नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने समझाने के लिए था. क्वेश्चन नंबर ये पहला ही था उसके बारे में था सारा का सारा. अब क्वेश्चन नंबर ये भी पास में ही है, ये भी एग्जांपल है. अब जानदारों में कैसे हसासियत होती है और प्लांट्स में कैसे हसासियत होती है, दोनों आपको समझने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं. पहले ये भी एग्जांपल है, आपको ये लिखना नहीं है. सेंसिटिविटी के बारे में, सेंसिटिविटी इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. माहौल के हिसाब से जो हमारे जिस्म पे ऐसी काबिलियत जो उसको रिस्पॉन्स कर सके, उसमें रद्द अमल कर सके, उसको हम सेंसिटिविटी कहेंगे. अभी प्लांट में कैसे होती है, एनिमल में कैसे होती है,
पहले आते हैं सेंसिटिविटी इन द एनिमल्स, जानदारों में हसासियत कैसे होती है। पीपल एंड एनिमल्स यूज सेंस ऑर्गन्स, अभी हम पढ़ के आए जैसे सेंस ऑर्गन जो होते हैं तो जानवर और इंसान वो सेंस ऑर्गन इस्तेमाल करते हैं सेंसिटिविटी को समझने के लिए और उसे रिस्पॉन्स देने के लिए। मसल्स, मस्के हमारे जिस्म के अंदर मस्के मौजूद होती हैं बोन्स वगैरह के अंदर, तो वो भी रिस्पॉन्स करने में मदद करती हैं। द नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम क्या है, तंत्री संरचना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज नर्वस सिस्टम, दिमाग का जो अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जितना भी हमारे जिस्म के अंदर जो भी काम होता है वो सारा का सारा कंट्रोल किया जाता है दिमाग के जरिए। तो दिमाग के हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, समझता है और उसे कमांड देता है। अब ये प्लांट के अंदर तो मौजूद होते नहीं है, तो प्लांट के अंदर किस तरीके से सेंसिटिविटी होती है। प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, इंसानों या जानवरों की तरह पौधों के अंदर नर्वस सिस्टम तंत्री संरचना नहीं होता, तो उनके अंदर कैसे ये चीजों को महसूस करेंगे। प्लांट्स ग्रो टूवर्ड लाइट, पौधे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां से उन्हें सूरज की रोशनी मिलती है वो उस तरफ ही मूव करते हैं, उस तरफ जाते हैं। जैसे सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर क्या करता है जब सूरज सुबह से निकलता है तो सनफ्लावर का मुंह उनकी तरफ होता है, तो जैसे जैसे मूवमेंट होती जाती है सन की उसी तरीके से सनफ्लावर के फ्लावर की भी मूवमेंट होती जाती है। जब ग्रोथ करते रहते हैं जहां से रोशनी मिलती है पौधे उसी तरफ ग्रोथ करते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, सेकेंड पॉइंट, प्लांट्स रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर, पौधों की जड़ें क्या होती है जमीन के नीचे जाती है, किस लिए, पानी की तरफ, पानी पीने के लिए, क्योंकि पौधों को भी पानी चाहिए होता है। तो वो मूवमेंट होती है जड़ों की, पौधों की जड़ों की जो मूवमेंट होती है वो पानी पीने के लिए जमीन के नीचे की तरफ जाती है। सम प्लांट्स ओपन देयर फ्लावर, तीसरी पॉइंट इसकी है, सम प्लांट, कुछ पौधों के फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि दिन के वक्त खुले रहते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं, और कुछ के ऐसे होते हैं कि रात को ओपन हो जाते हैं दिन के वक्त खुले और बंद हो जाते हैं। ये भी उनमें मूवमेंट होती है, ये भी एक सेंसिटिविटी है, वो भी माहौल के हिसाब से उनको मूवमेंट आती है। ये सारा था सेंसिटिविटी के बारे में, ये आपको लिखना नहीं था, इससे व्यक्तन होता है। इस सवाल का जवाब पहले जो सवाल में पता किया था सिर्फ वही जवाब था एक लाइन का। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म। नीचे अब दो अल्फाज दिए गए हैं, दो वर्ड दिए गए हैं, उन वर्ड्स को आपको डिफाइन करना है क्वेश्चन नंबर टू में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म, नीचे दिए गए हुए दो अल्फाजों को आपको समझाना है, उनको समझना है। अब मैं वन बाय वन दोनों टॉपिक दोनों मूवमेंट बता रहा हूँ, एक है टैक्टिक मूवमेंट, दूसरी है ट्रॉपिक मूवमेंट। ये दो मूवमेंट है, ये प्लांट में और स्मॉल ऑर्गेनिज्म में होती है। क्या है ये, पहले हम ये सवाल आप यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद ये जवाब आपका यहाँ से शुरू हो रहा है। पहला टैक्टिक मूवमेंट के बारे में, उसके बाद है उसी पॉइंट का दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। पहले हम समझते हैं पहले क्वेश्चन नंबर दो का जवाब नंबर वन, टैक्टिक मूवमेंट क्या है। अब पहले आते हैं टैक्टिक मूवमेंट। When a whole organism moves from to one place to another place is response to external stimuli such as light, gravity, water and certain chemicals. When a whole कोई सा एक जानदार हो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जानदार चला गया, वो कुछ केमिकल की वजह से जाता है, कोई रोशनी की वजह से जाते हैं, कोई जमीन की कटी से शक्ल की वजह से जाते हैं या पानी की वजह से जाते हैं, उनमें एक तब्दीली आती है, उसको टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे। यानी कि सूरज जहाँ से आ रहा है उसी रोशनी आ रही है, प्लांट्स उसी तरफ मूवमेंट करेंगे। ग्रेविटी, जैसे हम रूस के बारे में पढ़ के आए कि ग्रेविटी कहते हैं जमीन कशिश शक्ल, कोई सी भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे जाती है, नीचे आती है उसे ग्रेविटी की वजह से ही, वो ग्रेविटी जमीन के अंदर है, तो इसलिए वो मूवमेंट प्लांट या कोई सी वजह से ज्यादा जमीन के अंदर करे उसे ग्रेविटी की वजह से देते हैं। वाटर, पानी ढूंढने की वजह से जो नीचे जाते हैं तो उसे भी टैक्टिक मूवमेंट कहेंगे, और कुछ केमिकल की वजह से भी मूवमेंट होती है तो वो भी टैक्टिक मूवमेंट कहती है। जैसे एग्जांपल टैक्टिक मूवमेंट क्लेमेडोमोनास शो टैक्टिक मूवमेंट। क्लेमेडोमोनास क्या है, ये एक जानदार है जो पानी के एक ड्रॉप एक बूंद के अंदर भी मौजूद हो सकता है, इतना छोटा है, तो उसके अंदर भी जो मूवमेंट होती है वो टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है।
दूसरा है ट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा ये थी टेक्टिक मूवमेंट जो थी वो डायरेक्शनल मूवमेंट थी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनकी डायरेक्शन जरूरी है, जैसे कि सूरज की रोशनी थी उनकी तरफ से सूरज की रोशनी की तरफ भी जा सकते थे, जमीन के नीचे जा सकते थे ग्रेविटी की वजह से, वाटर जहाँ पे पानी मौजूद होगा वहाँ पानी के अंदर जा सकते हैं, तो ऐसी चीज की वजह से वो वहां पे जा सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट किसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हेन अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ स्टेशनरी प्लांट्स मूव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, द रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रॉपिक मूवमेंट। कोई सी भी चीज हो, कोई सी भी ऐसी मूवमेंट हो जो एक तरफ हो, जहां से मैं मालूम हो कि किस तरफ जाना है, वो स्टिमुलस ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगी। अब एक सवाल के अंदर एक दो जवाब है, दोनों आपको लिखने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर टू आपका यही तक था, एक सवाल के अंदर दो चीजें आपको डिफाइन करनी है। अच्छा ये वन बाय वन में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बाद में आपको यही सारा का सारा जो भी टॉपिक है आपको सेंड कर दिया जाएगा, ताकि आप आराम से बैठ के सवालों के सही से जवाब खुद भी लिख सके। ये दो सवाल हमारे यहाँ तक थे। अब ये सवाल नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन। अब यहाँ पे एक सवाल है, इसके अंदर भी दो चीजें हैं, दो चीजों के बीच में फर्क बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है और वॉलंटरी एक्शन क्या है। पहले जवाब हम लिखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन। एक से आपको टेबल बनानी होगी, बॉक्स बनाना होगी, तो एक बॉक्स होगा रिफ्लेक्स एक्शन का, दूसरा बॉक्स होगा वॉलंटरी एक्शन का। ये सवाल नंबर तीसरा है इसके अंदर, यानी कि दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना है। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन है क्या, इनको समझने के लिए पहले हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का पॉइंट नंबर वन है, अ क्विक एंड सडन मूवमेंट व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स और इनवॉलंटरी एक्शन। ऐसा अमल जो जल्दी में हो, ना चाहते हुए हो, जो इसमें हमारे दिमाग की कोई मुदाखलत ना हो, उस अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। जैसे अचानक से छींक आ जाती है, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्स एक्शन में आ गया। अगर आपका हाथ अचानक से गर्म चीज गर्म बर्तन पे लग जाता है, अचानक से हाथ लगा, उसी वक्त ही आप हाथ अपना ब्रेक कर देते हैं, तो इतना अमल जल्दी से हो जाता है रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में आ जाता है। आपके नी घुटने पे अगर कोई जोर से मारे तो आपका पांव ऊपर जाता है, तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन में ही होगा। इसके रिफ्लेक्स एक्शन की पॉइंट नंबर दो है, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ परफॉर्म ऑटोमेटिकली। रिफ्लेक्स एक्शन जो अमल है गैर-इरादी फेल, ये जो होता है ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही हो जाता है, इसमें हमें किसी भी चीज की सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स हो जाता है। तीसरा है, तीसरी पॉइंट, द ब्रेन रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन एंड द रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इटसेल्फ। हमारा दिमाग सिग्नल लेता है और सेंसरी ऑर्गन क्या है, हम पहले पढ़ के हैं, उनसे जैसे सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग जितने भी है, उनके जरिए हम ये दिमाग को तरह सिग्नल जाते हैं, उन्हीं में से ही सारे अमल को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। यानी कि ऐसे अमल जिसमें हमारे दिमाग की चाह ना हो, यानी कि हम चाहें या ना चाहें ये अमल खुद ब खुद हो जाते हैं और जल्दी से हो जाते हैं, उसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। अब वॉलंटरी एक्शन, ठीक है, इरादी फेल, यानी कि अब इसके बारे में पहली पॉइंट पढ़ते हैं, वॉलंटरी एक्शन क्या है। एक्शन लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग, एटीसी और कंट्रोल बाय आवर विल, यानी कि ऐसे अमल जिसमें हमारी चाह हो, जो हम चाहें वो करते हैं, वो वॉलंटरी एक्शन होते हैं। जैसे हम बोलते तभी हैं जब हम चाहते हैं कि हम बोलें। वॉकिंग, हम वॉक तब करते हैं, घूमते तब है, चलते तब है, जब हम चाहते हैं, ऐसे नहीं कि खुद ब खुद चलना शुरू करते हैं। विल यानी कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो काम होता है उसे वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। सर एक्शन और कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन, ऐसे अमल जो हमारी विल ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं, जो हम चाहते हैं, तब उनको वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। इसकी पॉइंट नंबर दो है,
voluntary reaction ki these involve the main portion of the central nervous system voluntary reaction or thought out और voluntary reaction क्या है वो अमल जो हमारे दिमाग के अंदर सोचते हैं सोचने के बाद उसको हम अंजाम दें उस एक्शन को उस काम को voluntary reaction कहा जाता है और उसमें नर्वस सिस्टम दिमाग का अहम किरदार होता है यानी कि हमारा दिमाग voluntary reaction में पूरी तरीके से वही काम करता है जैसे घूमना बात करना खाना खाना पढ़ना चलना ये जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी जो भी चीजें हैं ये वॉलंटरी एक्शन के जरिए ही होती हैं। पॉइंट नंबर तीसरी है द ब्रेन ऑर्डर्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म देयर एक्शन हमारा दिमाग हुक्म देता है जितने भी हमारे जिस्म के अंदर जितने भी ऑर्गन मौजूद हैं आईज हैं नोज है हाथ है हैंड है ठीक है हॉर्ट है लंग्स हैं जितने भी हैं ये दिमाग के साथ कनेक्टेड होते हैं इनको दिमागी कमांड देता है हुक्म देता है ये अमल तभी कर पाते हैं अब ये दोनों चीज़ों में फर्क आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया कि वॉलंटरी एक्शन क्या है और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है रिफ्लेक्स एक्शन वो है जो हम चाहें या ना चाहें खुद ब खुद होता जाता है और वॉलंटरी एक्शन वो है जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक होते हैं उनको वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है ये क्वेश्चन नंबर तीन था इस क्वेश्चन नंबर तीन के जवाब थे दो चीजों में डिफरेंशिएट हमें करना था रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन को या आपको पेन कॉपी में भी इसी तरीके से लिखना होगा मेंशन करना होगा क्वेश्चन नंबर थ्री लिख के उसको डिफाइन करना होगा टू टेबल के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन और वॉलंटरी एक्शन ये क्वेश्चन नंबर तीन थे आपके अब क्वेश्चन नंबर हम आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर What is the coordination? हम आहन की क्या है coordination? अब coordination के बारे में जवाब इतना ही है इससे दो लाइन का है। The working together of all the organs and system of the body is called coordination. हमारे जिस्म के अंदर जितने भी organ, जितने भी अज़ा मौजूद हैं, वो सारे के सारे एक साथ काम करते हैं, उसको coordination कहा जाता है। जैसे अगर आप देख लें तो अभी भी हम जहाँ पे बैठे हैं हमारे अंदर हार्ट काम कर रहा है लंग्स काम कर रहे हैं किडनीज काम कर रहे हैं आईज काम कर रहे हैं ब्रेन काम कर रहा है हर एक ऑर्गन काम कर रहा है तो इसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे कि जितने भी ऑर्गन्स हैं जितनी भी चीजें इंसान के अंदर मौजूद हैं वो काम कर रही हूँ मिलजुल के सारी की सारी एक साथ वर्किंग टूगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन जितने भी आजा हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं सिस्टम मौजूद है वो एक साथ काम करें उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है समझ आ गया ये कोऑर्डिनेशन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका 5 है व्हाट इज द एक्सक्रीशन ठीक है क्वेश्चन है एक्सक्रीशन यानी कि गैर जरूरी चीजें जिससे में अखराज हो जाए उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है एक्सक्रीशन जवाब द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन हमारे जिस्म से गैर जरूरी चीजें बाहर निकल जाए इसको एक्सक्रीशन कहेंगे इसका जवाब यही तक है एक लाइन का ही जवाब काफी है इसके लिए द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस यानी कि गैर जरूरी चीजें हमारे जिस्म के अंदर जो हमारे जिस्म को जिन चीजों की जरूरत नहीं होती उनको बाहर निकाला जाए उनको वेस्ट सब्सटेंस कहा जाता है इस अमल को इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है नीचे जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है ये आपको लिखनी नहीं है ये आपको लिखनी नहीं है सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए दी गई है अच्छा एक्सक्रीशन जैसे हमारे जिस्म से वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंसेस कौन से हैं जैसे कुछ जानदारों के अंदर अमीनो एसिड के तौर पर नाइट्रोजीनियस बेसिस के हिसाब से कौन सी चीजें बाहर निकलती हैं वो हम पहले आते हैं फिशेस के अंदर मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग मोस्ट बोनी फिश जो जानदार पानी के अंदर रहते हैं उनके अंदर भी गैर जरूरी चीजें होती है बाहर निकलती हैं उनको अमोनिया कहा जाता है फिशेस के जिस्म से जो बेस्ट प्रोडक्ट पानी निकलता है उसको अमोनिया कहा जाता है मैमल्स और एम्फीबियन मैमल्स और एम्फीबियन शॉक सम बोनी फिशेस छोटी मछलियां दूध देने वाले जानदार एम्फीबियन जैसे मेंढक हो गए ये जानदार में से बेस्ट सब्सटेंस जो निकलता है वो होता है यूरिया और बर्ड्स
परिंदे मैनी रेप्टाइल रेगनियाले जानदार इंसेक्ट और स्नेल जैसे जानदारों के अंदर भी जो चीजें जिस्म से बाहर निकलती है उसको यूरिक एसिड कहा जाता है। ये वो चीजें हैं जिसके चीजों की हमारे जिस्म के अंदर जरूरत नहीं होती, अगर जिस्म के अंदर रह जाए तो जिस्म के लिए नुकसानदेह होती है, इसलिए इन चीजों को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे जिस्म से अगर हीट गर्मी ज्यादा हो जाती है तो पसीने की सूरत में वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म में जब ज्यादा मिकदार में हो जाए वैसे ही होती है जब ऑक्सीजन मंदल लेते हैं, ठीक है, और हम जो खाना खाते हैं वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे कार्बन निकलती है, वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके जिस्म से बाहर रिमूव होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की शेप में बाहर निकलती है, वो भी एक्सक्रीशन में ही आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका था, व्हाट इज द एक्सक्रीशन, और उसका जवाब आप इसका जवाब बस वहां तक ही लिखेंगे यहाँ तक ही। द रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बाकी नीचे वाला एग्जांपल है सब समझाने के लिए था। इस चैप्टर के अंदर आपके ये 5 ही सवाल थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका फिलिंग द ब्लैंक। ये चैप्टर का लास्ट सवाल है और यहीं पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इस बन का। इस चैप्टर के अंदर 7 फिलिंग द ब्लैंक से 1 by 1 वो फिलिंग द ब्लैंक में समझाता जा रहा हूँ आपको और वो बाद में आपको लिखनी होंगी। पहली फिलिंग द ब्लैंक से जैसे द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी कॉल्ड द कॉर्टेक्स। हमारे किडनी के जो बाहर वाला हिस्सा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कॉर्टेक्स। जो रेड पेन से बने हुए हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर दूसरी, किडनी कंटेंस मिलियंस ऑफ द किडनी ट्यूब्स कॉल्ड डैश। किडनी गुर्दे जो है वो लाखों करोड़ों छोटे छोटे ट्यूब से बने हुए हैं, उन ट्यूब को क्या कहा जाता है, उन ट्यूब को कहा जाता है नेफ्रॉन्स। पॉइंट नंबर 3, ईच नेफ्रॉन स्टार्ट इन द कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड। जो ये नेफ्रॉन जो बने हुए हैं वो कप शेप की तरह छोटी छोटी चीजों के हिस्सों के बने हुए हैं, कप शेप के हिस्सों को क्या कहा जाता है, वोमिन कैप्सूल। व्हिच कंटेन्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। अब वो वोमिन कैप्सूल के बने हुए होते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन खुद जो बने हुए होते हैं छोटी छोटी कैपिलरीज को, उन कैपिलरीज को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। पॉइंट नंबर 4, एज ब्लड फ्लोस थ्रू द वाटर कैपिलरीज। हमारे जिस्म के अंदर जो खून बहता है वो पानी वाली कैपिलरीज नसों के जरिए सब्सटेंस उसमें मौजूद क्या क्या होता है, सच एज एंड डिसॉल्व्ड साल्ट जिसके अंदर मिला हुआ होता है, घुला हुआ होता है सॉल्ट नमक, और फिल्ट्रेटेड दे पास इनटू द वुमेन कैप्सूल। वो सारे के सारे पानी नमक वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो पास आउट या गुजरती है वुमेन कैप्सूल से होके। क्वेश्चन नंबर 5, लार्ज मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ द कैप्सूल एंड सो दे लिव इन द ब्लड। कुछ ऐसी चीजें जो वुमेन कैप्सूल एंड से गुजरती हैं तो जैसे प्रोटीन्स होते हैं वो उसे पास नहीं गुजर नहीं सके, इसलिए वो वहीं पे कैप्सूल के अंदर ही फंस जाते हैं और खून के अंदर ही रह जाते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर 6, यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड वेसल्स। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारा जिस्म बार बार में रीअब्सॉर्ब करता है खून के अंदर, उन्हीं में से एक है ग्लूकोज। द रेस्ट ऑफ द लिक्विड पास डाउन द लॉन्ग लूट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन व्हिच नाउ कंटेन वेस्ट मटेरियल सच एज यूरिया। हमारे जिस्म के अंदर जो भी बच जाता है पानी जिसकी हमारे जरूरत नहीं होती, लिक्विड पास हो जाता है लूट के जरिए नीचे नेफ्रॉन में बैठ जाता है, वो वेस्ट मटीरियल होकर जिस्म से यूरिया की शेप में बाहर निकल जाता है। यूरिया बनते और दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड यूरिन। उस सॉल्यूशन को हम यूरिन पेशाब कहते हैं, यानी कि जिस्म से जो निकल जाती है गैर जरूरी वाटर जिसमें अंदर सॉल्ट मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है, उन चीजों को बाहर निकाल देते हैं उसको यूरिन कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर था 5 सवाल और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 फिलिंग द ब्लैंक से। ये 5 सवाल आपको ये पेयर करने हैं और उन्हीं के जवाब आपको लिखने होंगे। यही फाइल मैं आपको फिर सेंड भी कर देता हूँ, वो सेंड आप अगर जैसे नहीं लिख पाए तो आप वहां से फिर लिख सकते हैं।